नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी की मेयर उम्मीदवार शिखा राय ने अपना नामांकन आज वापस ले लिया और सर्वसम्मति से शैली ओबराय मेयर बन गई, जिसमें कोई भी जो विपत्ति थी नहीं आई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। हमारे साथ शिखा राय जी इस वक्त मौजूद है। मैम, इसके पीछे आखिर क्या वजह रही? आखिर दौर में जब वोटिंग होनी थी उस तब आपने फैसला लिया कि आप अपना नाम वापस लेती हैं? देखिए, राजनीतिक दल होने के कारण, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दल होने के कारण, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जिसमें चुनाव भी आता है, उसमें भाग लें और अपनी रिप्रेजेंटेशन को वहां तक रखें। इसलिए चुनाव में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान में हमें ये ऐसा लगता था कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो मेयर द्वारा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के हमें ऐसा लगता है कि निगम जो है कंप्लीट तब होता है जब स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, क्योंकि जितने विषय आज भी एजेंडा में आए हैं वो सारे वो हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू आते। यानी निगम में मेयर का पद ही लेना हमारे लिए कोई एक ऐसा विशेष कारण नहीं रहता है। हमें चाहिए निगम की पूरी जो सिस्टम है, उसका इंस्टीट्यूट जो है वो चलता रहे, तो जरूरी था कि स्टैंडिंग कमेटी भी उसमें बने। तो खाली मेयर के पद को लेकर के हम सोचें कि हम इसमें कोई काबिज होना चाहते, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन वो प्रक्रिया कर ही नहीं रहे हैं, उसमें हर बार कोर्ट में जाकर के जो है डेढ़ पे डेढ़ लेते जा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि आप पहले स्टैंडिंग कमेटी का गठन करिए, इस मेयर पद तो हर साल आता जाता रहे। मेयर और डिप्टी मेयर का तो चयन हो गया, तो क्या लगता है स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब तक होगा और कमेटीज की जो अलग अलग कमेटियां बननी है वो भी नहीं बनी है अभी तक? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, सारी एजुकेशन है, रूरल है या और कमेटियां हैं, बल्कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग है, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी फाइनेंशियल मैटर जब निकाल ही नहीं सकते पॉलिसी, तो उनकी एंड में हाउस जस्टिफिकेशन कैसे करेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा कहना यही है, सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी गठन की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर जो प्रोसेसेस हैं वो मेयर को करने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेप्स लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का होना बेहद आवश्यक होता है, तो क्या लगता है अब कब तक इसका गठन? देखिए, हमने कोर्ट में देखा तीन बार पिछले में, तीनों बार मेयर ऑफिस से ये कहा कह करके उसको टाला जा रहा है कि अभी कुछ और कहना है, अभी हम पूरा नहीं कह पाए, कोई जवाब नहीं। तो ये क्या है, ये तो प्रोसेस को टालने की प्रक्रिया है। ये थी बीजेपी की पार्षद शिखा राय। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।